चलो आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर इमोशन के बारे में, जेलसी, ईर्ष्या, जलन। क्या है ये जेलसी? हम इतना सुनते हैं, इतनी इसके बारे में बात होती है, लोग हमें समझाते हैं कि औरों से नहीं जलना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, वी शुड नॉट बी जेलस। सब बहुत सारे भाषाओं में बहुत सारे वर्ड हैं इसके, बट जेलसी है क्या? अच्छा, लोगों को लगता है जेलसी ये है कि अगर मैं दूसरे की कामयाबी से जल रहा हूँ, दूसरे की सक्सेस को मैं नहीं पचा पा रहा हूँ, तो ये जेलसी है। लेकिन अगर आप मज़ेदार बात देखो, ये अगर एक्चुअली जेलसी होती भी ना, तब भी ये सेंसेबल होता कि मेरे को दूसरे की कामयाबी खटक रही है। सही मायनों में देखो तो जेलसी तो ये है, दूसरे के पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है, और ये कुछ भी हो सकता है। वो एक अच्छा कॉलेज, अच्छी जॉब, पैसा, गाड़ी, ये सब हो सकता है। या वो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास अच्छे दोस्त हैं, उसके पास एक अच्छा पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है वो है, उसके पास माँ बाप हैं जो उससे प्यार करते हैं, और उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है और मुझे वो चाहिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो सामान या जो चीज उसके पास है उसको वो कैसे यूज कर रहा है। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे वो क्यों चाहिए और अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं क्या करूं। बट हां, जेलसी क्या है, उसके पास वो है, मेरे पास वो चीज नहीं है और अब मुझे भी वो चीज चाहिए। बस ब्लाइंडली, कोई अकल का प्रयोग नहीं कर रहे हम, कोई हम ये नहीं सोच रहे कि इससे मेरी लाइफ कैसे बेटर होगी। बस उसके पास है, मेरे पास नहीं है, या उसके पास मेरे से ज्यादा है, मेरे पास उतना नहीं है, ये भी हो सकता है और मुझे चाहिए। अब यहां पर कुछ बड़े सीधे सीधे नुकसान हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए भी और आपके कैरेक्टर के लिए भी। देखिए क्या होता है, जब आपकी जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप क्या करते हैं, पहले बात तो दूसरे को नीचा दिखाना शुरू करते हैं। जिसने जो अचीव किया है आप ये बताना चाहते हैं लोगों को कि वो तो उसे फ्री में मिल गया था, वो तो उसे बड़ी आसानी से मिल गया था, उसने उसके लिए मेहनत ही नहीं करी। किसी ने कितनी मेहनत करी है, क्या किया है, आपने सब उस पर पानी फेर दिया, आपने तो डिक्लेयर कर दिया जी वो तो या तो किस्मत से मिल गया या वो तो आसानी से मिल गया उसको। आप कभी एक्चुअली ना एक्नॉलेज कर पाएंगे ना अप्रिशिएट कर पाएंगे कि सामने वाले ने कितनी मेहनत करी है या कितनी लगन से काम किया है या उसका अचीवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में एक तो यहां पे खुद थोड़े नीचे हो गए। दूसरी बात, अब क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है, अब आपको सही गलत से ज्यादा फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप कोई भी शॉर्टकट, कोई भी दंद फंद, इधर उधर के काम आप करना शुरू कर देते हो किसी तरह से मैं उसकी बराबरी तक पहुंच जाऊं। और स्टूडेंट लाइफ में मैं तुम्हें एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं, क्या होता है, किसी बच्चे के किसी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए, और जिस बच्चे के अच्छे नंबर आए उसको बड़ी तारीफ मिल रही है, घर वालों से भी, समाज से भी, टीचरों से भी, सब उसके गुणगान कर रहे हैं, और मुझे ये बात चुभ रही है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उसको इतना अटेंशन मिल रहा है। अब शायद मैं पढ़ के तो उसका मुकाबला कर ना पाऊं, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट चीज क्या आती है, अनफेयर मींस चीटिंग, और मैं इस काम में लग जाता हूं कि किसी भी तरह से चीटिंग वीटिंग से जैसे भी हो मैं इससे आगे निकल जाऊं। और कई बच्चे इन सब कामों में पकड़े भी जाते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनका पूरा भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाता है। उन्हें शायद अपने नंबरों से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था जितना कि सामने वालों के नंबरों से फर्क पड़ रहा था, और उस चक्कर में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो फर्स्ट ऑफ ऑल
उनके कैरेक्टर उनके नेचर के खिलाफ था। वो नॉर्मली चीटर्स नहीं थे, उन्हें नॉर्मली चीटिंग करना पसंद नहीं था, लेकिन इस जेलसी ने उन्हें इतना पागल बना दिया, उनके दिमाग पे ऐसा कब्जा कर लिया कि उन्होंने ऐसा काम करा जिससे उनका पूरा भविष्य खराब हो गया। ये नुकसान है। अच्छा, और कई बार तो ये इस लिमिट तक पहुंच जाता है, जैसे आपने ऑफिसेज वगैरह में देखा होगा, कई बार जेलसी में लोग एक्चुअली एक दूसरे का नुकसान तक करने पे आ जाते हैं, एक्चुअली उनको हार्म करने पे आ जाते हैं। किसी बात को जो उन्हें अपने किसी कलीग को कहना था, बताना था, जो उसकी जॉब के लिए जरूरी था, वो छुपा जाते हैं। और ऐसा नहीं, बच्चे भी ये काम करते हैं, बड़े भी ये काम करते हैं। कई बार बच्चे भी कुछ नहीं तो एक दूसरे की नोटबुक गुमा दी आपने, सिर्फ क्यों कि सामने वाला आगे ना बढ़ पाए। अरे ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी दौड़ हो गई जिसमें आप अपने कैरेक्टर को इतना खराब कर लो। और अगर ये सब करके भी आप किसी से बेहतर हो भी गए, तो समस्या ये है, आपको तो पता है ना कि आप वहां तक कैसे पहुंचे, आपने कितने गलत काम किए, आपने कितने अनएथिकल इमोरल काम किए कि आप वहां पर पहुंचे। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जिस दिन भी ये नशा आपका उतरेगा, जिस दिन ये जेलसी जो आपके दिमाग को क्लाउड कर रही है, जिस दिन वो खत्म होगी ना, आपको उस दिन समझ में आएगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए। और हो सकता है उस दिन जो भी आपने कमाया हो, जो भी नाम कमाया हो, पैसा कमाया हो, जो भी आपने जोड़ा हो सकता है उस दिन आपको उन सबसे मजा आना भी बंद हो जाए। और फर्दर मोर, अगर हम माहौल ही ऐसा बनाएंगे जेलसी का, तो देखिए सबसे बड़ी इसकी जो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वो ये है, कोई भी जना कभी भी अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएगा। आज आप किसी के पीछे पड़े हुए हो जेलस होके, अनफेयर तरीके से, मैं फेयर तरह से कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, फेयर तरह से कंपटीशन करो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जेलसी में आके अगर आप अनफेयर तरह से कंपटीशन कर रहे हो, तो भले ही आज आप आगे निकल भी गए, जब समाज में ये सब करना एक्सेप्टेबल हो जाएगा, गलत टूल्स यूज करना सही माना जाने लगेगा, तो तुम्हारे भी तो पीछे कोई आएगा ना ऐसे ही, तो तुम भी रोज डर डर के अपनी लाइफ जियोगी, क्योंकि जैसे तुमने किसी को गलत तरह से पीछे किया था ना, अब दुनिया भी वैसे ही गलत तरह से तुम्हें पीछे करने के लिए लगी हुई है। तो इस तरह से आगे निकलने की दौड़ करना, ये कोई मजेदार दौड़ नहीं है, और हैप्पीनेस हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी। और जहां मैंने एक और बात कही, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, आपको अभी ये भी नहीं पता कि जिस चीज के पीछे आप दौड़ रहे हो, जिस चीज के लिए आप जेलस हो रहे हो, वो सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट भी है या नहीं। हो सकता है वो तो उस बारे में कभी सोचता ही नहीं है, लेकिन आप इतने ज्यादा इनसिक्योर हो कि आप तब भी उस चीज से जेलस हो, और आप तो किसी भी तरह से उसकी बराबरी करने पे लगे। तो अगर गोल्स आप अपने लिए बनाओगे, तो आप उनपे ज्यादा मन से काम कर पाओगे, और साथ में ये भी जान के काम कर पाओगे कि मेरी लाइफ में ये चीज कैसे फिट हो रही है। और गोल्स अगर आप जेलस होके बनाओगे, किसी को देख के बनाओगे, या किसी को पछाड़ने के लिए बनाओगे, तो जहां बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, वहां पे आप भी भाग लो। और इस दौड़ का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आज आप किसी और को पछाड़ने के लिए दौड़ रहे हो, कल को उससे आगे वाले के पीछे भाग रहे हो। लेकिन जेलस व्यक्ति में ना एक बात समझ लेना पक्की होगी, जेलस व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी के पीछे ही होगा। जेलस व्यक्ति कभी भी ना नंबर वन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लाइफ का मोटिवेशन ही नंबर टू होके आता है। ये अलग बात है, कभी वो किसी और के पीछे नंबर टू है, कभी फिर किसी और के पीछे नंबर टू है, लेकिन जेलस पर्सन ना रहता हमेशा नंबर टू पे ही है, क्योंकि उसको नंबर वन होना आता ही नहीं है,
उसे अपने गोल बना के खुद एक अलग रेस में जाने में उसको मजा ही नहीं आता। उसको सबसे ज्यादा मजा ही इसी में आता है, कोई मुझे दिख जाए ये मेरे से आगे है और अब मैं इसके पीछे भागूं। उसके जीवन का सबसे बड़ा संतोष इसी में है कि इसको मैं कैसे पीछे करूं। उसको ये नहीं अच्छा लगता कि मैं आगे निकलूं या मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ अपना करूं, अपना बनाऊं। उसको मजा सिर्फ इसी में है कि मैं इसको कैसे पीछे करूं।